Hey guys, Greetings to assalamu all. alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup on Zoom. क्या हाल है शाजी आपके? हाँ वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है यहाँ। सो व्हेन आई ट्रैवल्ड आई डिडंट जस्ट ट्रैवल डिफरेंट कॉन्टिनेंट, लेकिन मौसम जो है यहाँ कोई आई थिंक 5 डिग्रीज हो गए हैं। सो वेरी कोल्ड। तो आप पाकिस्तान को मिस कर रही हैं, नहीं कर रही? यू आर हैप्पी टू बी बैक? क्या 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 सिचुएशन में? ताजा तरीन अपडेट दीजिए प्लीज। देखिए, होम इज होम सो यू लव इट। जो दूर से देखते हैं उनको ये नजर सो आ होम इज रहा होता है इस पाकिस्तान, टाइम। सो होम इज पाकिस्तान और होम इज वेयर योर फैमिली इज। होम हियर व्हेन माय फैमिली इज हियर। मुश्किल मुश्किल सवाल शुरू में कर दिए हैं राधा ने। बट व्हेन यू कम टू पाकिस्तान, यू लैंड इन पाकिस्तान, यू फील दैट यू नो होम इज होम देयर एज वेल। तो ये हम लोग बड़े लकी होते हैं जो एक्सपैट्स होते हैं कि हमें दो जगह जो है ना अपने पैर रखने होते हैं, और दोनों जगह एक अपनाइयत भी फील होती है। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एंड आई एम श्योर एक जगह से निकलते हुए आपको वो जगह मिस कर रहे होते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं, यू फील लाइक यू बैक इन योर कंफर्ट जोन, बट यू स्टिल मिस द ओल्ड प्लेस। यू नो, इट्स लाइक आप किसी एक साइड के नहीं हो पाते। And you enjoy the best of both also, I think. अब बाकी you really do. Like it's, I think it's beautiful to go back. आपकी जो वो मैं किसी को बता रही थी, वो जो दुकानदारों के साथ छोटी मोटी नोक झोंक और बात करना, जो एक लूज टॉक कहते हैं ना, जो अंदर मकसूद का ड्रामा था, वो आप कर सकते हैं सारा पाकिस्तान आके, एंड अपनी जबान में आप अपनी जो है ना छोटी छोटी हमारी बातें होती हैं जो दूसरे वाले को समझ भी आ जाती हैं फौरन। और यहाँ ऑफ कोर्स दूसरा मजा है, फैमिली इज हियर एंड सुकून इज हियर, तो बस ये तो है। वेलकम अच्छा मिला फैमिली से या नहीं? हाँ, फैमिली वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। मैं बहुत थकी हुई थी, खांसी जुकाम बैटल कर रही थी, तो लाइक आई से विद ऑल आवर ड्रामास, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो वो दो दो 3 दिन अभी तो बड़ा अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो करना चाहिए ये कभी कभी। एंजॉय इट। शुड वी गो टू द ड्रामाज? या आपने कुछ कहना है, कोई पॉइंट है आपके पास बात करने के लिए? नहीं अभी तो कुछ नहीं कहना, बस पाकिस्तान इंडिया का मैच से काफी हम अफसरदा थे। राबिया शायद मनसब से कहें कि इसको काट दीजिएगा, इसकी बात नहीं करनी हमें, मनसब एडिट में निकाल दीजिएगा, लेकिन फिर भी आई एम होपिंग कि आगे जाके बेहतर हमें मैचेस नजर आए। हाजी, आप गलत किस्म के इल्जाम लगाने से परहेज कीजिए। मैंने आज तक तो कुछ नहीं ऐसा बोला, जो बोलती हूँ मैं इधर ही देती हूँ। चुपके से नहीं कटवाया मैंने आपका कोई भी पार्ट। इस बात की आप भी गवाहें और मतलब भी गवाहें। आर यू द काइंड हु सेज कि इंडिया से हार जाए बेशक, लेकिन वर्ल्ड कप ना हारे, और आर यू द काइंड वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन इंडिया से नहीं हारे? नहीं भाई, आई बिलीव वर्ल्ड कप जीतो। ये इंडिया इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान, ये तो सब रास्ते के वो हैं जहां आप अपनी जो है ना आईज ऑन द बॉल, कीप योर फोकस ऑन द फाइनल विन, दैट्स इट। ओके चले जी, लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामास। हमारे पास काफी कुछ ड्रामे हैं, फेरी टेल एंड जीवन नगर जो है वो वर्ल्ड कप की नजर हुए तो वो नहीं आए हैं, लेकिन अदरवाइज वी हैव नौरोज, रजिया, 22 कदम, जन्नत से आगे, इश्क मुर्शिद, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, एंड न्यू ड्रामा सुकून। यस यस, तो कौन तो से स्टार्ट करें हम? इश्क मुर्शिद। लेट्स स्टार्ट विद इश्क मुर्शिद। सो आई थिंक शाजिया के फाइनली ऑडियंस को ना एक वो जो बड़ी बड़े अरसे बाद एक बड़ी जबरदस्त किस्म की लव स्टोरी जो उनको चाहिए वो मिलेगी, जिसमें हीरो हीरोइन, हीरो एटलीस्ट कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक ये काफी दिन से शायद इस किस्म की कहानी मिसिंग थी। अभी हम मोहम्मद मोहब्बत गुमशुदा मेरी में देख रहे थे कि साइम इज विलिंग टू डू एनीथिंग, लेकिन वहां पे जूबिया भी उसके साथ इक्वली ही इन्वॉल्व थी। लेकिन यहाँ पे शामिर साहब जो है ना, उन्होंने फोकस कर लिया, उन्होंने तो सोचा है मैं किसी भी सूरत शुभ्रा का दिल जीत के रहूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट द आइडिया इज वेरी न्यू, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि वो एक जो है वो गरीब लड़के बनेंगे और वो काफी क्यूरियस हैं, एंड वो उन्होंने उनका दिल आ चुका है पूरी तरह। हम तो हाफ वे शामी डिडंट सीम टू डू एनीथिंग हाफ वे। आपने गजनी नहीं देखी? नहीं, मैंने गजनी नहीं देखी है एक्चुअली। हाँ, सो पॉपुलर वोट यही है कि गजनी से बहुत मिलता जुलता कुछ आइडिया है। इंस्पायर, ठीक है, अगर नेटफ्लिक्स पे होगी तो मैं देखती हूँ, लेकिन आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट द पीपल हैव वर्क्ड, द क्रिएटर्स हैव वर्क्ड ऑन द कैरेक्टर, स्पेशली बिलाल अब्बास कैरेक्टर। तो हम एक बहुत नया, यू नो, एंटायर वार्डरोब, एवरीथिंग इज डिफरेंट, द लुक इज डिफरेंट, क्योंकि बिलाल हमने देखे हैं अभी रिसेंट ड्रामों में, तो ही इज मेकिंग एन एफर्ट लाइक अ लॉट ऑफ आर एक्टर्स टू हैव अ डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर। तो ये जरूर एक इंटरेस्टिंग बात है। ऑल्सो आई थिंक क्यूरियोसिटी, दिल चाह रहा है कि आगे जाके देखो कि अब ये क्या करेगा, बस में तो चढ़ गया, उतर भी गया, आगे क्या करेगा।
तो वो दैट पुल इज देयर फ्रॉम द सेकंड एपिसोड. बिलाल के जो पिछले दो ड्रामे थे दोबारा एंड कुचन कही, उसमें बहुत डिफरेंट लुक और फील थी. इसमें हमें बिल्कुल एक डिफरेंट साइड नजर आ रही है, एक डिफरेंट यू नो अपीयरेंस नजर आ रही है. एंड वो लग रहा है कि उन्होंने काफी सोचा हुआ है कि मैं इसको ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, तो वो हमें क्लियर एक डिफरेंस नजर आ रहा है. जो कि ऑल्सो आई फील कि उन्होंने थोड़ा ब्रेक दिया है तो, एंड बिल्कुल एक डिफरेंट लुक के साथ आए, तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी हिज यू नो हिज रोल ऑन द ड्रामा इन द ड्रामा ऑन टीवी. तो वो अच्छा लग रहा है. वरना कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेम एक्टर को इवन इफ रोल इज डिफरेंट सेम लुक में देखे ना बोर हो जाते हैं. तो ये फ्रॉम कुछ अनकही एंड दोबारा कंप्लीटली डिफरेंट लुक है, तो मुझे लगता है ये बड़ी जबरदस्त चीज है. बिल्कुल. एंड यू वांट टू सी शामी, यू डोंट वांट टू सी यू नो व्हाट एवर यू सॉ इन, मैं भूल गई उनका नाम, कुछ अनकहीं में. सलमान यू वांट, हाँ, यू आप डोंट वांट टू सी सलमान. सलमान के ऊपर इतनी डिबेट के बाद अब सलमान को कैसे भूल सकती है. खैर, कमिंग टू बिलाल अब्बास कैरेक्टर, मुझे बड़े मजे का सीन लगा जब वो सुन रहे होते हैं ना शिब्रा और मलिहा की बात. तो जब वो कहती है ना कि बस करप्शन नहीं हो और सब कुछ, मैं गरीब भी हो, तो उसके हाथ से ना क्या नाम है यार, शामिर के हाथ से ना फोन नीचे गिरता है. एंड ही इज लाइक, तो मैंने कहा, इसने कहा यार वो एक चीज जो उसके खानदान में है, जिसकी जो प्रॉब्लम है, वो ही उस एक चीज उस लड़की ने बोली कि सब कुछ वो हाँ. करप्शन नहीं हो. तो वो बड़े मजे अच्छा, का इट इज सीन था. इंटरेस्टिंग. उसने ये नहीं कहा कि अमीर नहीं हो, उसने कहा अमीर हो लेकिन उसकी जो पैसे हो वो करप्शन से उसने नहीं जमा करे हो. तो ये मुझे सही तरह सुनाई नहीं दिया तो मुझे नहीं पता कि उसने अमीर पे एग्जैक्टली क्या बोला, बट आई हर्ड दैट करप्शन एंड देन यू नो फोन फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज हैंड एंड ही इज लाइक ओह. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो क्यूट सीन था. हाँ, और उसमें एक्चुअली फिर बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस की भी बात हो रही थी, बिकॉज ही इज लिसनिंग, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग. तो ट्रू. उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे एंड वी हैड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है. पहले इंटरेस्ट था, इंट्रीग था, नर्वसनेस थी, एंड देन इन द एंड ही जस्ट सेड ओ लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, कि फोन हाथ से फिसल ही गया फिर तो. एक और चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, इफ यू सी द वे शामीज कैरेक्टर, वो यहाँ पे उस लड़की के पीछे पागल हो रहे हैं, यू नो ही इज विलिंग टू डू फुलिश थिंग्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जब अपने बाप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यू सी दिस वेरी सीरियस एंड वेरी वेल थॉट साइड ऑफ हिम, दैट ही इज यू नो इज लाइक आई एम नॉट अ फूल, यू कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड एंड आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पार्टी एंड तुमने मेरी माँ के साथ जो किया. तो वो एक उनकी स्ट्रेंथ ऑफ हिज यू नो विजडम भी नजर आ रहा है और उनका वो दुख भी नजर आ रहा है कि वो माँ के दुख को नहीं भूले, इज नॉट गोइंग टू लेट इट गो. Also shows how young boys can become a little deewana when it comes to being in love, और वो कुछ foolish बेवकूफी की हरकतें कर सकते हैं, but that doesn't mean कि वो बेवकूफ या foolish in real life हो. तो हमें ये दोनों उनके aspects नजर आ गए हैं शामिल के, and you're so right that they have been well defined over here. What did you think of अच्छा, आपने, अच्छा तुम्हारा पॉइंट है तो तुम कर लो वरना मैं नहीं मैं तो आगे बढ़ रही थी अब क्योंकि भी हमने, आगे हाँ, बढ़ रही हूँ. What did you think of Shamir following Shibra in the bus? I thought a lot about Shami doing lots of things other than following Shibra in the bus. ये बात हमने पहले प्रोमो में देखी थी, बट वी वांट श्योर इफ इट्स हैपनिंग और नॉट. तो हमने कहा चलो ड्रामे को आने दें फिर देखते हैं. देखिए, हीरोज जो है ना, दे सेट एन एग्जाम्पल. तो अगर इवन इफ इट इज समथिंग लाइट हार्टेड, इफ इट इज समथिंग कॉमिक, इट वुड हैव बीन बेटर अगर आप वो लड़की को हटा के आप भी वही काम कर रहे हैं जो लड़का कर रहा था. तो उसमें तो मुझे फिर कोई वो नहीं, प्लस पॉइंट नहीं लगा ना कि आप हीरो हैं तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसे. सो आई फेल्ट दे कुड हैव यूज समथिंग बेटर ओवर हियर टू शो अस अ लाइटर साइड. एंड कितनी सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते थे राबिया टू शो दैट ही इज ट्राइंग टू शाजिया, बी गुड. मुझे उस सीन का ना मकसद समझ नहीं आया कि वो शिब्रा को क्यों फॉलो कर रहा था. वो तो किसी बहाने से शिब्रा किसे मिलने जा सकता था, उसकी दोस्त की बीवी की दोस्त है ना, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, दे कुड हैव बीन सो क्रिएटिव, किसी रेस्टोरेंट को गलती से मिल जाते, वो लंच करें, कुछ भी हो सकता था. व्हाई दिस पर्टिकुलर सीन ऑफ शोइंग हिम स्टॉकिंग अ गर्ल यू नो विद दिस एज. Actually, he could just have been shown in the bus without Shibra being there, and you would have achieved, because idea to ye tha na ki aadat kare bus mein travel karne ki, right? Public bus नहीं, mein. आई डोंट थिंक सो कि आदत ये थी, आदत उस बस वो फॉलो करे, बस एक रोमांटिक सीन दिखाया था कि ओ वो उसके इश्क में पागल होके उसके उसके पीछे बस में जा रहे हैं. किस किस्म का पागल, मुझे ये नहीं समझ आई. दूसरी बात ये भी कि मैं वही मेरा पॉइंट यार, एक बंदा जो बाहर से पढ़ा लिखा है उसमें इतनी तो मैनर्स होंगे, इतनी तो तमीज होगी कि उसे पता हो कि क्या सही है क्या गलत है. हम और इतनी बड़ी फैमिली से फिर उसके रिएक्शंस, वो जिस तरह देख रहा है, मुझे लगा कि यार एक एक ऑरा होना चाहिए. वो तुम इतनी सही बात कह रही हो, मुझे ख्याल नहीं है, बट वो जो लड़का उनके साथ खड़ा है जिसको धक्के देके पीछे करते हैं, उसमें और शामिर में सवाई कपड़ों के कोई फर्क नहीं लग रहा था. वो इतना मुझे वियर्ड लग रहा था जितना वो बंदा लड़का लग रहा था, यू नो. सो मुझे लगा बहुत फोर्स्ड कॉमेडी है. देन फोर्स्ड कॉमेडी सीन,
आप गेस कर सकती हैं कौन सा था? पॉज कॉमेडी सीन टू मुझे तो लगा था जो शुरू में आया था, मैंने रिवाइंड करके फिर से सुना कि ये क्या हो रहा था, कि जब वो कहते हैं कि फराज जो हैं वो मंगनी के बाद एक डेट पे गए और फिर मैंने छुरा निकाला और छुरा उनके पेट के करीब किया और फिर वो बेहोश हो गए। पहली बात ये है कि मंगनी के बाद एक डेट पे जाना इज नॉट समथिंग विच इज वेरी लाइट। या तो आप कह देते एक कॉलीग के साथ लंच पे गया था, आप उसको डेट का नाम नहीं देते, तो इट वुड हैव बीन ओके। तो ये मुझे कोई लाइट बात तो नहीं लगी। आई एक्चुअली रिवाउंड द सीन टू सी के वाकई किसने ये कहा था कि मंगनी के बाद ये डेट पे गया था किसी लड़की के साथ, एंड एवरीवन इज टेकिंग इट लाइटली। फिर मैंने कहा ओह दिस इज सपोज्ड टू बी अ जोक, लाइक द होल थिंग इज अ जोक कि वो उन्होंने छुरी आगे करी थी और फिर वो बेहोश हो गए, एंड दैट वॉज सो फनी। तो आपको हंसी आई? आई विल नॉट रिपीट वॉट यू हैव सेड बिकॉज आई एग्री विद यू। सेकेंड, मुझे एडिट बहुत चॉपी लगी। आई मीन द स्टोरी टेलिंग आइडिया वॉज गुड कि इधर से आधी बात उधर से आधी बात, हाँ जिस बिल्कुल। तरह एडिट में बिठाया इट कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन मी। एक तो क्वेश्चनेबल बात थी, सेकेंड एडिट की एग्जीक्यूशन इतनी वीक थी कि वो इम्पैक्ट नहीं हो सका जो आपको इंटरेस्ट होता है। मुझे तो बहुत चॉपी लगी थी। एंड अगर कोई सुन रहा है तो आई रियली रियली रिक्वेस्ट के फ्यूचर में जो एडिट आ रही है उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें, उसकी एडिट को स्मूथ करें तो अच्छा हो जाएगा। देन डिड यू सी So you दैट? see, you could see that Farooq Rind was playing with the edit, and we like that because we expecting something out of the park from him, right? लेकिन you're right कि वो इतना स्मूथ नहीं था जितना हो अच्छा, ये सकता था। आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है ना, ये तो पहले भी हम देख चुके हैं और ये कहानी का बताने का तरीका पहले भी हम सुन, अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते तो अच्छा होता। तो शायद अच्छा हो जाता। बट सो माय हाँ क्वेश्चन इज, आई एम अभी हम एक दो और चीजों पे बात करेंगे। जब मैंने पूरी एपिसोड को देखा तो उसमें एक या दो नहीं, उसमें बहुत से क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट्स थे विच आई एम रियली सरप्राइज दैट द इंटायर टीम कुड नॉट पॉइंट आउट। स्टॉकिंग, दोस्तों का ट्रस्ट तोड़ना, दोस्तों का ट्रस्ट तोड़ना और फोन पे किसी की बात सुनना, देन गरीब वाली बात मुझे समझ नहीं आई। गरीब गरीब गरीब, व्हाट इज दिस गरीब का टाइटल दैट वाज, यू नो, वो लड़ बच्ची, वो जो बहन है उसकी क्या नाम है, उसका सुकैना नाम है उसकी बहन जो है, सुकैना। या सुकैना जो है वो जंगले पे सो रही है। जंगले पे कौन सोता है भाई, वो जहाँ उनके प्लांट्स पड़े हुए हैं। सो देयर वाज सो मेनी थिंग्स जो ऑन प्रिंसिपल क्वेश्चन थी, क्वेश्चनेबल थी एंड विजुअली वर नॉट मेकिंग सेंस। तो मुझे एक बात की हैरानी है बिकॉज फ्रॉम दैन इंटायर टीम आई एक्सपेक्टेड बेटर, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट। और जहां ओके हाँ यू कंटिन्यू। नहीं, आई मीन ओके, आई एम ट्राइंग नॉट टू डू व्हाट आई हैव डन बिफोर, लेकिन बात यही है राबिया की, हर सीन जब आ रहा था व्हिच वाज सपोज्ड टू बी फनी, आई वुड एक्चुअली गो बैक एंड सी डिड आई हियर दिस राइट, डिड शी एक्चुअली पुट हर ऑन स्पीकर एंड या देन गो ऑन, एंड नॉट जस्ट वंस बट उसके घर जाके उसको स्पीकर पे रख के पूरी बात कर रही है, एंड समवन हु इज अ स्ट्रेंजर टू दिस गर्ल, अ स्ट्रेंजर टू शिब्रा बिल्कुल इज लिसनिंग टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन। So, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ, व्हाई आर दे डूइंग दिस एंड व्हाई इज एवरीवन फाइंडिंग इट फनी। एंड मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हम कभी भी कॉमेडी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। क्या कॉमेडी हमेशा एट द एक्सपेंस ऑफ, यू नो, उन कॉन्सेप्ट्स भी होगी जो क्वेश्चनेबल हैं, जो इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट है, क्यों? एंड देन ये भी फोर्स था, सॉरी ये भी मुझे कोई फनी नहीं लगा था। वो बस वाला सीन भी मुझे फनी नहीं लगा था। फिर जब वो शामिल यस को शादी की रात अपनी दोस्त के पहुंच गए, घर में सब लोग सो रहे थे, किसी ने उनको रोका नहीं, वो डायरेक्ट दरवाजा खोल के अंदर आ गए नॉक करके और वो आराम से आके बैठ गए। मतलब आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ इज दैट फनी, आई कुड नॉट फाइंड इट। आई वाज जस्ट लाइक कि थोड़ा लॉजिक भी तो डाले ना, थोड़ी सी तो कुछ उस चीज को लेकर आए कि समझ आए कुछ। और वो दोनों भी बड़े आराम से बातें कर रहे हैं, सो दे वर क्वाइट अ फ्यू एंड फिर मोमेंट्स। मलीहा टर्न्ड हिम आउट, मलीहा टर्न्ड हिम आउट बट इट टुक हर क्वाइट सम टाइम टू डू दैट, फराज तो कुछ नहीं कर सक रहे थे। हाँ सो मुझे बस बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी और मैं क्वेश्चन कर रही थी कि व्हाई, बट बिकॉज वी एक्सपेक्ट बेटर, वी एक्सपेक्ट डेफिनेटली बेटर यस कंटेंट, बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। फिर आप अगर अपियरेंसेस पे देखें, सवाई शामिर और शिब्रा के, बाकी सब लोगों को तो लग रहा है ना मेकअप टीम वालों ने लिफ्ट कराई है, ना उनके जो भी स्टाइलिंग करते हैं उन्होंने लिफ्ट कराई है। उमेर राना का कैरेक्टर जो है दैट इज सपोज टू बी शामीज फादर, वो कहीं से भी एक पॉलिटिकल कैरेक्टर मुझे नहीं लग रहे हैं। एंड मुझे अगेन आई क्वेश्चन, उमेर राना यूजुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन हिज अपीयरेंस, द वे ही, यू नो, ही इज डूइंग हिज कैरेक्टर। मतलब देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन मी, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम, आई एम नॉट, आई मीन आई हैव नथिंग, आई ही इज जस्ट लाइक वन ऑफ द मेनी पीपल अराउंड। वो लग ही नहीं रहा कि वो किसी बड़े जबरदस्त किस्म की पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या उनका कोई स्टेटस है दैट वी शुड बी कंसर्न, नथिंग।
Are you getting the same feel or? No, pehli dafa I did. Jab wo pehle episode mein, when he was with the dog, I was getting it a little bit. Lekin yahan mujhe nahin laga zyada. Aur especially kyunki jo unhone baat bhi kari na Shamini, he said, I saw you. My mother saw both of you together. तो वो मुझे लगा ठीक है इनका extramarital affair हो रहा था लेकिन मुझे फिर भी कोई ऐसी warning signal नहीं आई जो मुझे लग रहा है कि है उसके अंदर कुछ ज्यादा ताकत है उमेर राणा के कैरेक्टर में जो मुझे नजर नहीं आ रहा something more sinister. अगर आगे जाके वो शामी के कैरेक्टर को चैलेंज करेंगे या कुछ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ या मुझे कोई फर्क पड़ेगा बिकॉज वो रो पर दबदबा ही नहीं आया. फिर आप आ जाएं शिप्रा की प्रीचीनेस पे. ओह गॉड आई जस्ट कुडंट टेक इट व्हेन इट स्टार्टेड. आई वाज लाइक डोंट टेल मी ये फिर हम लेक्चर सुनेंगे. मतलब हर बात पे गाड़ी वाला यार हर बात पे लेक्चर है. व्हाई आई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. और उनको कोई आपने नोटिस किया उनको कोई रोकता नहीं है उनको कोई मना नहीं करता जब वो शुरू हो जाती है तो सब देख रहे होते हैं उनको सब चुप होते हैं एक्चुअली वो अगर वहां से कट करके ना अब्बा के और उनको कहने के बजाय वो सीधा जाके फराज को कहती तो वो फिर भी थोड़ा सा इट वुड हैव बीन डाइजेस्टेबल कि भाई तुम जाके अपनी दोस्त के मियाँ से कह रही हो लेकिन वहां जाके उनसे कहना समझ नहीं आया. दो चीजें हो रही हैं. एक तो ना सिर्फ ये शिब्रा का कैरेक्टर बहुत प्रीची है, इट्स आल्सो हर टोन इज वेरी जजमेंटल एंड कंडेसेंडिंग. वो यस कहीं से नहीं लग रहा कि वो अच्छाई करना चाह रही है. वो सम ऐसा लग रहा है वो एक बड़े तख्त पे बैठी है और बोल रही है कि आई एम सो गुड एंड प्रिंसिपल्ड एंड आई एम सो यू नो राइटियस. आप सब लोग गलत हैं. यू कांट हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम योर हीरोइन. आई डोंट कनेक्ट विद हर. आई फील के एंड आई फील दिस इज सो अनफेयर टू हर कैरेक्टर. सो अनफेयर टू हर कैरेक्टर. अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है सिर्फ बिलाल अब्बास का कैरेक्टर है इस वक्त शामिर का. अदर देन द फ्यू थिंग्स दैट ही इज डूइंग एज शामिर विच आर कॉम्प्रोमाइजिंग वो ही चला के लेके जा रहे हैं इस रोल को. या नूरुल हसन का कहीं कहीं मुझे अच्छा मजे की चीज नजर आ जाती है. द अदर कैरेक्टर्स आर फॉलिंग फ्लैट. यस अनफॉर्चुनेटली द मेन कैरेक्टर शिब्रास कैरेक्टर को उन्होंने डायलॉग सही नहीं दिए हैं उसका इंटायर जो द वे शी इज फ्लैश्ड आउट इज जस्ट वेरी अनफेयर टू द कैरेक्टर इट्स अनजस्ट एंड आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट एक्टर्स टू गो इन टू देयर रोल्स स्टडी देम मोर डीपली बिफोर दे एक्चुअली टेक ऑन समथिंग लाइक दैट. ये भी आगे हम कुत्सिया का कैरेक्टर जो आयमा का सुकून में उस पर भी बात करेंगे. बट आई फील इन्होंने भी ये किया और दुर्रफिशा ने भी. मे बी शी शुड हैव हाँ मे बी प्लान्ड इट अ लिटिल बेटर कि जैसे आपकी मर्जी और ये एक टाइम पे एयर नहीं हो रहा था या कैरेक्टर चॉइसेस बिल्कुल बिकॉज यस टू मच टू टेक दिस काइंड ऑफ प्रीचीनेस फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट फ्रॉम द टू प्रोजेक्ट्स यू नो. सो ये है. बट या स्टॉकिंग इज नॉट एंड रोमांटिक. यू नो यू विल नॉट बिलीव इट बट यू आर सो राइट कि जैसे आपकी मर्जी और इसमें जो है ना फर्क नहीं लग रहा दोनों कैरेक्टर्स में बल्कि ये वाला तो और ज्यादा ही एक्सट्रीम पे जा रहा है. And I also, I mean, with just to you know, with the intention of making content better, I would say, जब आप delivery दे रहे हैं dialogue की, please look at the background that character is supposed to be. When Shubhra is talking, वो मुझे कहीं से भी एक middle class या lower middle class के नहीं, उनका accent मुझे feel होता है, which just takes away from the whole experience, you know, कि वो जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना एक stylish अंग्रेजी वाला you know it just doesn't go with what you're trying to portray her to be. Maybe I'm wrong. Do you agree or you think I'm over criticizing? No, Shibra's character is like jaise aapki marzi and koi mujhe farak nahi nazar aaya hai. It's the same and wo hum yehi keh rahe the na abhi Bilal Abbas ka ke hame har drama mein farak nazar aa raha hai to wo hame yahan nahi nazar aa raha inke character mein Dhruv Fisha ke character mein unfortunately it's the same and this girl is capable of acting really well and I will always go back to Pardes. Because when I saw her in Pardes, I was really impressed. And unfortunately, she has not gotten the same kind of roles or different variety in roles that she needs. So we will wrap it up now. Kuch aur hai. Main bas ek last baat. Otherwise, we can. Kahiye, kahiye. बस स्टॉकिंग इज नॉट रोमांटिक. प्लीज डू नॉट रोमांटिसाइज इट. अभी अगर एडिट नहीं गई है कोई सुन रहा है तो प्लीज एडिट में इसको एडजस्ट कर लीजिए. I really feel that it's very questionable to be seeing this kind of content from such names coming jo is project pe hain. That's all. Theek hai ji. Theek hai. Okay. Let's aage. So we go on to Mohabbat Gumshuda Meri. Haan theek hai. Mohabbat Gumshuda Meri. Yes. Hmm. Sahi hai. Haan. Yeah. Okay ji. Achha to Seemab jo hain unhone apna dil jo hai wo samne rakh diya hai Saim ke. Saim is trying to tell her ke this is not going to happen. Do you think Saim was leading her on earlier? No, I don't think so.
देखो आई ऑल्सो डोंट थिंक. वो शुरू से उसके साथ बहुत कर्ट, थोड़ा रिजर्व था, और जो लास्ट से लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया था, जब वो डिनर से चला जाता है, वो तो क्लियर साइन था. अब अगर उसके बावजूद आप जबरदस्ती अपने आप को उस पर इम्पोज कर रही है, एंड यू जबरदस्ती वॉन्ट टू अज्यूम दैट ओ नो ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मी, और वो उस लड़की को भूल गया होगा जो उसकी पुरानी मोहब्बत है, तो इसमें फिर हम तो कोई मदद नहीं कर सकते आपकी. हाँ. तो शी इज होपिंग अपॉन होप दैट ही लाइक्स हर, एंड साइम की तरफ से आई थिंक ऐसा कोई से, बिकॉज देखो यहाँ तो लड़का लड़की दोस्त भी होते हैं ना, बड़ी फाइन लाइन होती है. साइम ने कभी उसको ये नहीं किया था, साइम नॉट गोना ब्लेम हिम. लेकिन नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि सितारा जो है ना फाइनली वो थोड़ा सा डाउट कर रही है जूबिया को, जो अभी तक नहीं हुआ था. पर वो नेचुरल बी उसकी बेटी की बात है ना, तो वो कुछ भी आ ऑफ सकता कोर्स. है. क्वेश्चन तो ये कर रही है जूबिया से कि तुमने बताया क्यों नहीं. अच्छा, मैं तब से सोच रही थी ये लोग इस पार्ट को कैसे हैंडल करेंगे, कि क्या मतलब आई वॉज डबल माइंडेड दैट वॉट शुड माई रिएक्शन बी, बट आई रियली लाइक द वे दे हैव हैंडल दिस, बिकॉज वो कहती है इट वॉज नॉट ईजी टू सी द सेम शर्मिंदगी इन योर आइज फॉर मी, जो जिससे मैं यस, जिस चीज या से मैं भाग रही थी. और फिर वो ये भी कहती है कि वो मेरा पास था, तो अगेन आई वॉज कंसर्न, बट आई थिंक दे हैंडल्ड इट वेरी वेल. यू नो व्हाट आई एम रियली लाइकिंग इज दैट आई कैन सी जूबिया'स जर्नी, आई कैन सी द पर्सन शी हैज बिकम, और बहुत मेच्योर हो गई है और बहुत पुरएतमाद हो गई है अपनी फैमिली के साथ भी, और यहाँ भी साइम के साथ भी. बट आई डोंट सी साइम्स जर्नी. साइम मुझे लग रहा है कहीं वहीं का वहीं अटक गया है वो. इतना ज्यादा ठीक है, मे बी ही इज मोर जज्बाती, वो बहुत ज्यादा ही इज लाइक दैट एंड ही विल ऑलवेज बी लाइक दैट. लेकिन और जूबिया हमेशा थोड़ा रुकती थी पीछे, साइम आगे जाता था. लेकिन आई डोंट सी हिम हैंडलिंग दिस विद एनी काइंड ऑफ मेच्योरिटी. While I agree with you, I also feel there is a reason for that. क्योंकि देखो जुबिया को बहुत बड़ी हाँ. प्राइस पे करनी पड़ी थी, जो जुबिया को फैमिली छोड़नी पड़ी, जो जुबिया को बेइज्जती फेस करनी पड़ी, आज भी वो साइम ने नहीं की. साइम हाँ कोई तो साइम का या रिएक्शन डिफरेंट है. हाँ साइम कैन नॉट फील व्हाट जुबिया इज फीलिंग, साइम कैन नॉट रियलाइज व्हाट जुबिया हैड लॉस्ट. वो तो अपने माँ बाप के साथ रह रहा था, वो 4 साल से 5 साल से अपने माँ बाप के साथ नहीं है. तो ऑफकोर्स जुबिया की मेच्योरिटी और साइम की मेच्योरिटी डिफरेंट है, बट यस time everyone becomes a little bit more mature and calm in their life, so I would have also liked time to be थोड़ा सा उसमें सबर डालते, जो कि हमें नहीं नजर आ रहा. वो अभी भी पीछे पड़ा हुआ है कि तुम नहीं जाओगी तो मैं घर वालों को लेके पहुंच जाऊंगा और मैं ये करूंगा. थोड़ा सा हाँ अगेन वो पॉइंट है where I feel they both need to give a little bit time, you know, जिसना चीजें चल. हाँ आई फील ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग हर डिसीजन, बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि जूबिया डज लव हिम, एंड जूबिया पिघलने वाली थी जब वो अपने बाप से बात करने गई थी. वो तो उन्होंने ही पलटा बदल दिया और वो बात करने लगे रिश्ते की, कि वो चुप हो गई. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट शी वॉन्ट्स टू बी विथ हिम, देखिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट टू हर फैमिली. इसलिए मैं मुझे लगता है कि साइम, यही हम कह सकते हैं कि साइम उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं करा, क्योंकि पहले भी वो नाना हाँ के हाँ कर गई ना, या तो फिर बिल्कुल. आप कैसे. तो और अगर साइम नहीं एफर्ट करेगा तो हम ही बोलेंगे साइम को और एफर्ट करनी चाहिए. जूबिया भी कह सकती है साइम, लेकिन जो एक चीज और होनी चाहिए, वो जूबिया ना भागती है, शी जस्ट वो कहीं नजर आता है, वो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़. अरे भाई बैठ के उसको पूरी तरह बात समझाओ तो सही ना, वो बैठे बात करने तो वो जो उसकी कजन है सीमा वो आ गई, तो ये पार्ट मुझे एक मिस. लेकिन ये बताएं आपका फैमिली से शिकवा कम हुआ, क्योंकि दानियाल समेत सबने जुबिया की साइड ली जब वो रिश्ते वाली बात हुई तो. हाँ लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई एक पॉइंट आएगा, अगर एक और रिश्ता ऐसा ही आता ना तो फिर वो सबके सब वापस पलट जाए. अभी देखो ये आ रहे हैं ना, मुझे ये डर लग रहा है, ये प्लान कर रहे हैं कि जूबिया से मिलने हैं, इनको यहाँ साइम मिलेगा. नोइंग हाउ मोहब्बत गुमशुदा मेरी इज गोइंग, इनको यहाँ साइम मिलेगा. विल दे ट्रस्ट हर और नॉट, क्योंकि इसने अपनी बहन से ही कहलवाया था कि मुझे वापस जाना है. तो हो सकता है अब हैप्पी एंडिंग होने वाली हो, एपिसोड्स खत्म होने वाली हो, और वाकई अब हैप्पी एंडिंग हो जाएगी. तो मुझे तो अच्छी उम्मीद है, मुझे लगता है कहानी अच्छे ट्रैक पे चल रही है, एंड उन्होंने हाँ जर्नी भी दिखा दिया है फैमिली का फाइनली. एंड मुझे ये बात अच्छी लगी कि अगेन साइम के माँ बाप जो है ना, बाप उसका बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है ये सब बातें एक तरफ, लेकिन जूबिया की मोहब्बत जो साइम के दिल में वो एक तरफ, तो तुम ये मत करो. तो इट्स डूइंग वेल. आई यस जस्ट लव वॉचिंग मोहब्बत गुमशुदा मेरी, इट्स सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट, एंड आई लुक एट द व्यूज शाजिया एंड आई गेट सो हैप्पी, बट आई फील सैड दैट दिस प्रोजेक्ट यस नॉट बीन एडवर्टाइज्ड और प्रोजेक्टेड द वे इट शुड हैव बीन, द वे इट डिजर्व. आई होप कि लोग आगे जाके देखें, लोग रेकमेंड करें. लेकिन आपको पता है कि निका नामा इज मेकिंग एन अपियरेंस अगेन. ओ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यस आई वाज वेटिंग ये कब, क्योंकि जब उसने बोला ना कुछ कि सुप्रिया ने मैंने तो ये फाड़ के पेपर फेंक दिया था, मैंने कहा अब आएगा, फिर मैं वेट करती रही, फिर आ गया. सो नाउ एक्साइटिंग के निका नामा की बात आ गई, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. यस हाँ. तो वो जो है दैट इज गोइंग टू बी द मिसिंग लिंक. आई थिंक जो आप कह रही है ना कि शायद हैप्पी एंडिंग हो, तो यहाँ जाके शायद कुछ बात अटक आई एम जाए. हैप्पी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मजा आएगा. हाँ.
ठीक है जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चलो ड्रामा। ओके जी, विच नेक्स्ट ड्रामा आर वी डूइंग नाउ? जन्नत से आगे, यू वांट टू डू जन्नत से आगे और रजिया? जन्नत ओ से आगे, नो, अच्छा ओके, जन्नत से आगे, जन्नत से आगे, या ओके दुपट्टा जी कहिए। तो पकड़ा गया, नजर आ गया जन्नत को, एंड आई एम, क्योंकि मैंने प्रोमो देखा है यार, ये तबस्सुम जो है हाँ ना, एंड उसने देख लिया है कि तकिए में उसने ही तावीज छुपाया है। फिर भी अब तुम्हारा क्या ख्याल है, तबस्सुम उसको क्या स्टोरी देगी? बिकॉज प्रोमो में उसने कोई उसके साथ कुछ नहीं किया जन्नत ने, वो शीज ओके विद तबस्सुम, सो व्हाट डू यू थिंक तबस्सुम इज गोना टेल हर कि उसके तबस्सुम साथ कहानी देंगी कि मैं तो आपका भला चाह रही थी इसलिए मैं गई थी, ताकि बाबा जो है वो आपके मियाँ के दिल में, नुमान के दिल में आपके लिए कुछ मोहब्बत पैदा कर दे बस। वेरी गुड शादी, आई थॉट द सेम थिंग, इतने नुमान के उसमें डाला है ना, तो कहेगी मैं तो चाहती थी हाँ देखी, तो आई विल नॉट रिपीट दैट, बट यार क्या है तबस्सुम। और मजे की बात ये है कि बट आई फील अब इनको ये चीज रोक देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर ये करेंगे तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वो पूरा लेकर आए हैं कि वाज जो था, वो जो डेकोरेशन पीस था हाँ स्टील का, टूटा था। वो गायब है, तो वो तोड़ के अपने घर ले आई है, एंड शी टेकन अ पिक्चर विद इट, तो वो कहीं ना कहीं आएगी यस सामने, इसीलिए वो पिक्चर उसने ली है जो जन्नत देख हाँ लेगी। लेकिन यही करते हैं कि दे ब्रिंग अस सो नियर टू तबस्सुम बीइंग कॉट एंड देन शी गेट्स अवे, सो आई फील नाउ इट्स हाँ पिछली 3 एपिसोड से हो रहा है, इससे डू यू ज्यादा थिंक जन्नत इज बीइंग नाइव, और डू यू थिंक कि कोई और भी जन्नत की जगह होता तो वो इसी तरह यकीन कर लेता? तबस्सुम इज टू शार्प फॉर हर। मैं ये नहीं कह सकती कोई और होता तो कर लेता, आई फील के जन्नत से आगे में जन्नत का जो कैरेक्टर है ना वो सिंपल नहीं है। देखो हमेशा आपकी इनसिक्योरिटीज जो होती है ना उस पे फैक्टर्स अराउंड जो आपके इर्द गिर्द होते हैं वो प्ले करते हैं। जन्नत की जो इनसिक्योरिटी है, शी इज अलोन, उसको एक लड़की मिल गई है जो उसको लगता है उसके साथ जेन्युइन है, जो उसके उसकी जिम्मेदारी को भी समेट रही है, और कुछ भी हो जाए दुनिया हाँ कुछ भी कहती रहे, वो जेन्युइनली उसको कहती है कि आप अच्छी हैं, तो वो जो तबस्सुम हाँ जन्नत की इनसिक्योरिटीज पे खेला हुआ है, तो इसलिए जन्नत अगर को कभी कभी आप डिनाइल में होते हैं ना, एंड यू वॉन्ट टू बिलीव वॉट यू वॉन्ट टू बिलीव नॉट वॉट ट्रूथ इज, सो मुझे लगता है जन्नत के साथ ये भी हो रहा है, प्लस तबस्सुम डस कम अप विद अ वेरी यू नो गुड थिंकिंग, या कुछ ना कुछ वो अच्छा कुछ करती है हाँ या सही करती है, मतलब रीजनिंग उसकी सही होती है कि आप कहते हैं हाँ यार ये तो सही कह रही है, लेकिन दुपट्टे का क्या जवाब देगी मुझे नहीं समझ आ रहा। आई ट्रस्ट तबस्सुम, वो कोई ना कोई निकाल लेगी एक्सक्यूज, उसने कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी, मैं बिल्कुल तबस्सुम से ना मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उससे। अच्छा मुझे जो है ना एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जन्नत जो है ना उसको बार बार समझा रही है। उसने जब कहा ना कि आप भी तो ऐसी करती हैं, तो उसने कहा कि नहीं मुझे पैसे मिलते हैं ऐसे कामों के लिए वरना मैं नहीं करती। तब जन्नत इज वेरी क्लियर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रायोरिटीज या उसकी वैल्यूज कहीं मिक्सअप हुई नहीं है, या तो मे बी तबस्सुम से डील कर करके उसको ज्यादा क्लियर हो रहा है कि क्या वो गलत करती है, बट शी इज वेरी क्लियर। और तबस्सुम भी उसको उसकी बेटी को यही सिखा रही थी कि आपकी मामा भी तो यही सब कुछ करती हैं। नहीं, जस्ट बिकॉज शी इज डूइंग इट फॉर मनी डज नॉट मेक वॉट शी इज डूइंग इज राइट, राइट, सो मैं ये तो यस हम हाँ कहते कि उसकी प्रायोरिटी या उसका कॉन्सेप्ट सही है, नहीं वो गलत करी है, उसने वो बाबा वाली जो पूरी जादू वाली चीज भी की थी वो बिल्कुल फेक बिल्कुल, है, तो नहीं वो लेकिन जन्नत कर वो रही है, उसको जस्टिफाई कर देती है कि नहीं मैं तो पैसे के लिए करना इन जनरल्स माइंड वो जायज है, लेकिन अदरवाइज इन रियल लाइफ तबस्सुम को जो सिखा रही होती है जायज नहीं है। कि आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि मैं इस बार सोच रही थी एपिसोड देखते हुए कि जन्नत क्या ये सब सेल्फिश होके भी कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि तबस्सुम उसके साथ ही रहे, फारूक वहीं काम करता रहे, तबस्सुम आगे ना जाए कहीं और नहीं जाए, सो एवरीथिंग इज इन हर कंट्रोल, राइट, जो तबस्सुम का कंफर्ट है, अगर तबस्सुम आज छोड़ के चली जाए, फारूक उसको कहीं और ले जाए, या हाँ तबस्सुम जिंदगी में आगे बढ़ जाए, तो जन्नत विल लूज दिस पर्सन, जो भी उसकी यस शॉर्टकट है, तबस्सुम की वजह से जन्नत की जिंदगी तो बहुत पुरसकून और बहुत अच्छी गुजर रही है, सो आई या feel that she's not that honest and genuine with Tabassum. Yes, उसको अपनी महरूमी नजर आती है तबस्सुम को देखिए, और वो ये कोशिश हाँ करती है कि तबस्सुम वही मिस्टेक्स ना करे, बट डेफिनेटली आई फील सब उसका कैलकुलेटेड प्लान भी है जन्नत का, या जन्नत का भी। ओके सो जन्नत इज नॉट दैट, सो हमें जन्नत के ऊपर इतना ज्यादा सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो बिल्कुल सॉरी फील नहीं हाँ करती उसके लिए। अच्छा देखो अभी वो जो और ढूंढ रही है ना सीसीटीवी, उसके सारे मिले नहीं है, और वो उसको अभी रिकैप करके देगा, वो आदमी निकालेगा रील्स। आई थिंक अब इसको अपने बच्चों के मुतालिक कुछ नजर आएगा जिसके ऊपर नाउ शी, क्योंकि अभी तक उसका इतना स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आया है तबस्सुम के अगेंस्ट। क्योंकि उसको तो बस हर बार सेटिस्फाई कर देती है ना कुछ कह के, वो अभी भी करेगी, तुम प्रोमो हाँ देखो अगर तो प्रोमो में शीज ओके विद तबस्सुम, सो लेट्स सी क्या होता है अब आगे जाके, बट
द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि तीनों कैरेक्टर्स में से अब मुझे हर किसी पे भी तर्स नहीं आता, बट दे ऑल कीप यू इंटरेस्टेड एंड एंगेज के होगा क्या. प्लस अभी जो तबस्सुम की शादी हुई है फारूक से, अब जो उसका एटीट्यूड, तो वे शी सिटिंग ऑन द टेबल और वो खाना खा रही है, मतलब मैंने कहा वाह भाई, तबस्सुम तो अपने घर में ही जन्नत बनी हुई है. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट्स नॉट कि जन्नत हैज ब्लाइंड फेथ ओवर तबस्सुम, इट्स मोर कि वो जो है ना कोशिश करती है कि वो डिनाइल में ही रहे. वो ढूंढती है रीजंस कि तबस्सुम उससे झूठ नहीं बोल रही है, और तबस्सुम कुछ कहती है तो तबस्सुम का काम बड़ा आसान हो जाता है बिकॉज जन्नत वॉन्ट्स टू बिलीव हर. अभी ट्रू भी वो दुपट्टे का कुछ, या सो ये जो है ना हमारे अंदर जो डर होता है ना टू नॉट लेट गो ऑफ समवन वी स्टार्ट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन, तो इसलिए वो जो जा ही नहीं रही है वहां जहां उसको जाना चाहिए. अच्छा जी, अब फारूक की तरफ आए हम. वो तो मरी का टिकट बुक किया उन्होंने, वहां तो तबस्सुम ने मना कर दिया, लोग तो स्विट्जरलैंड जाते हैं, आप तो मुझे मरी लेकर जा रहे हैं. लेकिन उसको पता होना चाहिए, मतलब व्हाई इज फारूक ऑल्सो लिविंग इन डिनाइल. उसको क्यों नहीं पता चला कि हाँ तबस्सुम ये करती, उसको पता होना चाहिए था. और उससे पहले पूछता तो सही, आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं. सो आई वांटेड टू फील बैड फॉर फारूक, बट आई कुडंट रियली, यू नो, बिकॉज मुझे पता था तबस्सुम यही करेगी. तो एक्चुअली यहाँ एक ड्रामे में मुझे अजीब बात ये लगी कि एक हफ्ता गुजर चुका था शादी को, इफ यू रिमेम्बर, और उसने कहा था कि मैं एक हफ्ते के बाद वापस जा रही हूँ काम पे. उसने एक हफ्ते के बाद, तो क्या फारूक को भी तो वापस जाना होगा ना काम पे, तो फिर कैसे टिकट बुक कर लिया? या तो शुरू में ही करते, पहले दूसरे दिन के बाद करते 5 दिन की ट्रिप, तो ये थोड़ा सा मुझे डिस्क्रेपेंसी लगी. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आई एम वेटिंग फारूक का पेशेंस कब जवाब देगा, वो नहीं जवाब दे रहा. मुझे नहीं लगता कि वो देगा जवाब. आई डोंट या या मुझे फारूक की माँ है जो खाल आए, आई जस्ट विश कि वो थोड़ा सा जजमेंटल कम हो जाए. फाइन, तबस्सुम जो कर रही है वो भी सही नहीं है, लेकिन आप भी बहुत जजमेंटल हैं कि क्या जरूरत है ये खोलने की. भाई वो लड़की है, उसका दिल चाह रहा है, वो अपने लेकर आई है, उसको खोलने दे सामान. आपके पैसों से तो नहीं लाई, आपको तो नहीं कुछ कह रही, यू नो. तो आई फेल्ट दैट वो भी कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाती है. हाँ, बिकॉज शी इज नॉट लाइकिंग व्हाट तबस्सुम इज बिकमिंग, और उनको पता है उनका बेटा जो है वो उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता कुछ, तो ये कहाँ जा रही है विथ एवरीथिंग दैट शी वांट्स. यस, ओके, सो दैट्स इट. नोमान, नोमान जो है, नोमान वो उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करा दिए, तो अब वो भी आगे जाके देखो क्या होता है उसका. कितने की शर्त लगी कि वो जारा को ऐसी चक्कर दे रहा, वो नहीं छोड़ेगा जन्नत को. आई थिंक ही वॉन्ट्स टू लीव, यू रियली थिंक सो? चक्कर दे रहे हैं? जन्नत ऐसे थोड़ी या जाने देगी उसको. तुम्हारा ख्याल है वो जन्नत से पैसे लेके और सब लेके चला जाएगा? जन्नत विल नॉट डू एनीथिंग. बट जन्नत वोंट हैव अ चॉइस, अगर उसके नाम हो जाएगा सब कुछ नोमान के नाम, तो फिर जन्नत क्या करेगी? Knowing जन्नत, जन्नत will find a way. जन्नत has contacts. जन्नत is जन्नत. So I don't think so कि वो इतना बड़ा पंगा लेगा. तो वो कितनी देर तक गारों को बहलाता है ये नहीं पता. हाँ, ये नहीं पता, लेकिन वो भी खैर आस में बैठी नहीं है कि उनको नौकरी मिल जाए यहाँ कहीं, वो कह चुकी हैं. हाँ, ठीक है. ओके, गो Want to रजिया? ऑन टू रजिया. ओके जी, रजिया हार मान गई, यू थिंक शी इज गिवन अप? सो मुझे अमेजिंग बात रजिया की ये लगती है कि ये जो कैरेक्टर लिखा है और जो पोर्ट्रे किया गया है, वो कुछ भी हो जाए ना, वो हिम्मत हार के भी हिम्मत हारती नहीं है. उसने सब कुछ जला दिया, वो बैठी हुई है, वो अपने आप को मार रही है, एंड यू लाइक गॉड, किस पोजीशन पे, किस सिचुएशन पे आ गई, किस पॉइंट पे आ गई है. बट देन शी कंसोल्स हर सेल्फ, शी डज दिस, एंड यू लाइक शी इज स्टिल, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है. वो मतलब वो बिल्कुल दिखाते, वो निढाल पड़ी है, फिर अम्मा ने आके डांटा वांटा है तो वो उठे. नो, शी कंसोल्ड हर सेल्फ, सो शी इज स्टिल देयर फॉर हर सेल्फ, और वो अपने आप को सपोर्ट करिए. तो मुझे ये बात बड़ी अमेजिंग लगती है कि जो तुम्हारा सवाल है कि हैज शी गिवन अप, शी हैज गिवन अप, बट स्टिल शी हैजंट गिवन अप ऑन हर सेल्फ मे उस बी. बॉटल कैप्स आर वेरी सिंबॉलिक, वो सबको जलाती है, बॉटल कैप्स नहीं जलाती, आई थिंक मेरा ख्याल में डाल दिए थे उसने, मुझे याद नहीं डाल है. दी थी एंड में. ओके, एंड में देख रही थी. अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, रसिया जो है, मतलब जब वो कबूल है कह रही थी, मुझे ये था कि वो, अब अगेन आई डोंट वांट टू इनकरेज, लेकिन वो चली जाती, कुछ कर ही देती, उस घर से ही चली जाती जब उसका यही नतीजा होना था, तो अंजाम होना था तो. सो एक तो ये कि उसने काइंड ऑफ गिव अप कर भी दिया था, सेकंड जाती तो कहाँ जाती, उसमें ये चीज नहीं है. उसने भागना या कुछ करना होता तो बहुत पहले कुछ कर सकती थी. वो अपने घर वालों की इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है. थर्ड, आई फील मे बी शी वाज होपिंग कि दिस वुड वर्क आउट, मे बी थिंग्स, मतलब और कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसी जिंदगी वहां गुजरती रहेगी. तो मैं, उसको क्या पता था कि उसके साथ तो इससे भी ज्यादा हॉरेबल होने वाला है. वो यही सोची होगी कि ठीक है, जैसी यहाँ गुजर रही है जिंदगी वैसी वहां गुजार लूंगी, शायद वो बेहतर हो जाए. हाँ, आई फील रियली बैड फॉर रजिया, एंड दैट इंटायर, आई थिंक पूरा जो एपिसोड था राबिया, दैट वाज लाइक प्रोग्रेसिवली टेलिंग हर कि रजिया की स्पिरिट कैसे तोड़ी गई है, फिर
फिर भी आपने बीच में देखे जैसे उसने कुरान शरीफ अपने सर पे खुद रखा, जैसे तुम कह रही हो दैट शी टैप्ड हरसेल्फ, जैसे जब अम्मा को भी जब वो गुस्से में बात कर रही थी ना, जब गुस्सा भी आपके अंदर से आता है तो कहीं ना आपकी स्पिरिट अलाइव होती है, तभी आप इतना गुस्सा दिखाते हैं। उसने कहा कि मेरा जनाजा उठेगा, आपने तो आज तक मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं से उसकी स्पिरिट आएगी वापस, शी विल लेट्स नॉट गिव अप, आई एम होपिंग। सी व्हाट्स स्टोर्ड फॉर अस इन द नेक्स्ट एपिसोड. मैंने प्रोमो नहीं देखा है, बट हाँ वही बात है, एक ही एपिसोड में बहुत से टॉपिक्स पे उन्होंने बात की है, कैसे भाई के, यू नो, एंड इट वाज जस्ट सो, आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग कि भाई तुम्हारे बेटे ने गलती, तुम्हारी बेटी ने गलती की, उसकी सजा तुम लड़के की बहन को दे रहे हो कि तुम सारी जिंदगी. अच्छा, जब वो दुल्हा जो है वो उससे कहता है, बड़े आराम आराम से बात करता है, तो आई एक्चुअली थॉट कि शायद वो सही कर रहा होगा, बट वो फिर उसका गला दबाता है. वो भी थोड़ा सा मुझे लगा कि, तो वहां मुझे मसला हुआ था, मुझे लगा कि इतना ये ड्रामेटिक दिखाने की जरूरत नहीं, शुरू से ही वो आती साथ उसके साथ जरा बदतमीजी से हाँ करता, या फिर ये उस हाँ टॉर्चर का अंदाज था कि मैं प्यार से प्रिटेंड करके तुम्हें बहुत टॉर्चर दूंगा, यू नो. और अब एक्चुअली उसके बनिस्बत आप बाप को देखें तो आपको बाप इतना नहीं लीथल लग रहा होता जितना जो सलीम का कैरेक्टर है, एज अपोज टू जो उसके मियाँ ने किया। सलीम का कैरेक्टर ही वाज ही जस्ट कुडंट केयर लेस अबाउट रजिया, वो उसको छोड़ देता था कि तुमने पहले कौन से ऐसे गुड़ खिलाए हैं, बस इसकी शादी करो, उसकी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। वो इतना ज्यादा नहीं अटैक करता था, ये तो जिस तरह रजिया को कभी हमने ऐसे नहीं देखा था, उसकी मारपीट हुई हुई है और ब्लैक आई हुई हुई है ना, उसकी अम्मा को देखा था, ये तो दो हाथ आगे है अब्बा से, सो दिस इज स्कैरी। लेकिन स्केरी तो है, बट आई फील के वी कांट से कि सलीम एक्चुअली, तो वो इस पोजीशन पे सलीम की वजह से, अगर सलीम सही तरह अपनी बेटी का ख्याल हाँ करता, अगर वो गिव बिल्कुल नहीं करता, वो फौरन प्रपोजल पे जल्दी से हाँ मुझे कबूल है नहीं करता, तो शायद आज रजिया हाँ जगह पे नहीं होती. बट एक्चुअली तो सलीम आई फील इज मे बी एज बैड एज हर हस्बैंड. वो इमोशनली और वर्बली उसको करता था अब्यूज, ये उसको फिजिकली और मेंटली भी कर रहा है, तो नो आई थिंक दे आर शोइंग व्हाट आई मेंट टू से वाज कि सलीम भी अपनी जगह गलत है, ये भी गलत है, लेकिन अब उन्होंने जो तुम कह रही हो ना कि उसने आके उसका गला घोटा, वो अब एक स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं। अभी उन्होंने सिर्फ इमोशनल मेंटल, अब वो फिजिकल अब्यूज भी दिखा रहे हैं, तो वो जो वो दिखाना चाह रहे हैं कि रजिया या बहुत सारी रजियाओं की जिंदगी में ये सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे मैसेजेस एक ड्रामे में दे रहे हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा ऐसा भी होता है बहुत सारी लड़कियों के साथ। एंड माई इशू अगेन विद द ड्रामा इज दैट आई विश इतने मैसेजेस एक साथ नहीं होते, मोर फोकस्ड होता, इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव, द स्टोरी सो मच मोर इंटरेस्टिंग, नरेटर का आइडिया बहुत अच्छा, एवरी टाइम शी कम्स आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू मायरा खान, बट माई इंटरेस्ट टेक्स अ डिप व्हेन एवर आई सी द होल एपिसोड, एंड मे बी अगर मैं उसको एक गो में देखी हूँ तो शायद मुझे इतना नहीं हो, लेकिन क्योंकि हम पूरे हफ्ते के बाद देख रहे होते हैं तो एक कहानी एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, इतने नई चीजें आ जाती हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप भी मुझे फील आती है, सो आई रियली विश कि इसको बेहतर True. थोड़ा सा किया होता तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता, बिकॉज जुमले बहुत जबरदस्त हैं, जब वो कहती है ना, माँ मैं तो कह रही हूँ अम्मा तीन चार बेटियां और कर लो, यू नो, उसके हाँ उसकी यस सजा, उसकी गलतियों की सजा भुगतने के लिए कौन, मैं तो जा रही हूँ, मैं अब तो कौन होगा? अब कौन होगा, सो बड़े जबरदस्त किस्म के डायलॉग्स हैं, एंड नरेटर का भी वो बोलता है कि औरत को औरत ही कैथारसिस होता है इन एवरीथिंग इनका, बिल्कुल देयर आर जस्ट हाँ सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड रिलेट टू एंड यू कुड सी अ यस रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट जस्ट आई फील टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। रिश्ता सीन उन्होंने जल्दी जल्दी करके दिखाया, बट अगेन देर वॉज अ लॉट, सो मल्टीपल मैसेजेस इन वन। पहले मैं कह रही थी करने दो बिकॉज सम वन समवेयर विल आइडेंटिफाई विद वन ऑफ दोज सीन्स, बट अब जैसे जैसे मैं लोगों से बात कर रही हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग व्हाट यू जस्ट सेड कि वो डॉक्यूमेंट्री टाइप लग रहा है, क्योंकि बिकॉज समझ नहीं आ रहा। वो जो कह रही है, आपको एक वर्ड बोलती है फिर आप सजिया का फेस दिखाते हैं, वो एक वर्ड बोलते हैं फिर इट्स लूजिंग द इम्पैक्ट, आई जस्ट डोंट फील इट, यू नो. हाँ कहानी, अब जैसे हमने इस दफा मानू को नहीं देखा, मैं देखना चाह रही थी उसको, मैंने नहीं देखा क्योंकि उसकी कहानी अभी वहां छूट गई है, अब आगे जाके पता चलेगा। तो यस दैट्स ट्रू, आई एग्री विथ यू, आई एम लविंग शहीरा जलील्स एक्टिंग, आई थिंक शी इज फैबुलस, आई रियली वॉन्ट टू सी हर, उनकी इतनी उनके एक्सप्रेशंस, हर डायलॉग डिलीवरी इज जस्ट फैंटास्टिक, जिस तरह वो बात कर रही थी, जिस तरह वो अकेली भी बैठी हुई थी, आई हैव येट टू सी अ परफॉर्मेंस दैट इज सो स्ट्रांग इन समथिंग लाइक दिस। और जहां हम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, वहां हमें इनका परफॉर्मेंस इज शाइनिंग थ्रू लाइक ठीक एनीथिंग थ्रू आउट। है जी, वी हैव 22 कदम. ओके वी हैव 22 कदम जी।
तो फरी एंड जुनेद की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। लग तो रहा है। हाँ थिंक कि हाँ जुनेद वाकई फरी के वो लीजा के बारे में सोच रहा था और फरी आ गई, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, एंड देन यू नो फरी जस्ट रिप्लेस लीजा, और व्हाट हैपेंड बिकॉज उसके जुमले यही थे कि आई डोंट नो वो थी भी या नहीं थी, वो चली गई, वो तो कब बिल्कुल फरी के बारे में नहीं बात थी। राबी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आपसे इत्तेफाक है। वो शुरू में फरी की बात नहीं थी, जो मैंने भी इस समय भी यही समझी कि वो लीसा की बात कर रहे थे, क्योंकि लेकिन फिर आप आगे सामने उन्होंने कहा आंखों के सामने आपकी आ जाएंगी, तो आंखों के सामने तो फरी चलती हुई आ गई, हाँ, तो और वो फिर फॉरन उन्होंने स्टार्ट काफी हो गए, अच्छा। वो फॉरन स्टार्ट हो गई हाँ वो भी और फरी भी, कि मैं तो आपके साथ तो कहीं भी चली जाऊंगी, कुछ ऐसा डायलॉग आया। बट देन इज जुनेद रियली इन लव विद फरी? इज इट जस्ट यू नो रिएक्शन टू व्हाट लीजा इज डूइंग? व्हाट्स हैपनिंग देन? इससे रिएक्शन टू व्हाट कोच कासिम टोल्ड हिम, आई थिंक नाउ दैट उनको उनकी टीम में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे ना कि मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में, मैं सोचता ही नहीं था। अब थोड़ा सा फोकस कम हुआ है शायद उस तरफ, तो वो सोच रहे हैं कि हाँ, कोच कासिम ने भी थोड़ा सा याद दिलाया कि भाई जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, एंड बिटवीन ही डजंट हैव मेनी वुमेन इन हिज लाइफ, राइट? सो देयर इज आइदर लीसा और देयर फरी, एंड ही सीम्स टू बी वाइबिंग विद फरी रियली वेल। फरी हैज बिन देयर ड्यूरिंग हिज डिफिकल्ट मोमेंट्स, फरी हैज बिन देयर टू गिव हिम गुड न्यूज, तो फरी ही लग रही है कि, और लीसा ने तो ज्यादा घास नहीं डाली है, तो और इसलिए। लीजा के अब्बा का आपने सुन लिया ना, मैं तुमसे कह रही थी ये कुछ करेगा, ये जुनेद की सिलेक्शन पे कुछ ना कुछ करेगा। वो कहते हाँ, हैं फाइनल यस, पहले या पता नहीं बहुत कुछ हो सकता है, जिसपे लीजा उसे कहती है कि मत करे हाँ, आगे ना। हाँ, इंटरेस्टिंग ये है कि लीजा ने ये सब कर लिया फिर भी उसको बॉदर कर रहा है, लेकिन उसकी जेलिसी इतनी स्ट्रांग है कि इट्स स्टिल नॉट स्टॉपिंग हर फ्रॉम डूइंग व्हाट शी इज डूइंग, शी इज स्टिल बीइंग द इविल पर्सन। आई थॉट व्हाट वुड स्टॉप हर इज, जब वो आतिफ से उससे बात करती है ना, कैप्टन से, जिस बदतमीजी से बात करता है उससे, तब उसको शायद फील हो एज अ वुमन कि मैं, आई वांट टू शो हिम दैट वी कैन विन, हम अपने बलबूते पे जीत सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ क्रिकेटर, शी इज कम्पेटिटिव, लेकिन उसकी वो जो नेगेटिविटी है दैट्स टेकिंग ओवर, मुझे लग रहा था यहाँ ये उसको मजा चकाएगी और कहेगी ठीक है हम जीत सकते हैं तुमसे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एंड आई वुड लाइक लीसा टू डू दैट, लेकिन वो नहीं हो रहा अभी। मैं भी यही समझी थी, एंड इट वाज अ सरप्राइज जब वो हटते हैं दोनों बात करके और पीछे से सैमी नजर आती है, एंड आई वाज लाइक ओ सैमी। लेकिन फिर आई वाज डिसअपॉइंटेड कि टिल द एंड सैमी ने कोई बात नहीं की। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि नोइंग करियाना वो चुप करके नहीं बैठी होगी, तो ये स्कीम है जो हमें अगले उसमें पता चलेगी, इन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया होगा सैमी, करियाना और फरी ने। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आई होप सो उनको, लेकिन क्योंकि सैमी की जो बात उनके अब्बा से हुई थी ना, तो अब्बा ने जो कहा था ना, अब्बा ने कंफ्यूज कर दिया सैमी को। अब्बा ने कहा कि किसी के ऐब जो है वो अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि आप छुपा दें, तो इसलिए सैमी जो है वो काफी कंफ्यूज हो गई है, मतलब ये तो गलत बात, दिस इज अ क्राइम व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट बट लीसा इज देन उसने डूइंग। मिडिल ग्राउंड ये लिया होगा कि उसने फरी और करियाना को बता दिया है, दे विल काउंटर एक्ट और काउंटर हर मूव्स, हाँ लीजा'स मूव, बट दे वोंट टेल एनीवन दैट दिस हैज हैपेंड, एंड देन आई थिंक उसको अलहदा ले जाके वो करेंगे, सो उसकी पब्लिकली शर्मिंदगी भी नहीं होगी और टीम बच जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। राबिया ने पूरा प्लॉट जो है वो मार्कआउट कर दिया है, बिकॉज होप अगेंस्ट होप वी वांट देम टू विन द नेक्स्ट मैच, एंड वी वांट के, बट दे हैव टू विन द मैच ना, अगर ये मैच नहीं विन करेंगे तो दे हैव कहानी टू विन और इट, लंबी तो नहीं जाएगी, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन दैट कम्स टू माय माइंड। I was really confused, बिल्कुल। सामी बता क्यों नहीं रही, बता क्यों नहीं रही। जब एपिसोड खत्म हो गई तो वो जिस तरह लुक्स एक्सचेंज कर रहे थे, फिर मैंने कहा अच्छा ये कोई स्कीमिंग हो रही है जो हमारे लिए सरप्राइज रखा है। वो होता है ना कि एक्शन हो जाता है फिर आप पास्ट में जाके फ्लैशबैक में कहानी सुनाने को करते हैं, हाँ, जैसे इश्क मुर्शिद में उन्होंने एक नाकाम कोशिश की और बड़ी वीक यस, एग्जीक्यूशन थी उसकी, तो इसी तरह शायद ये हो कि वो हमें बताएंगे। और ये शायद ज्यादा कामयाब कोशिश हो और हाँ, सक्सेसफुल क्योंकि हो देखो जाए। पिछली बार लीजा ने भी ऐसी बताया था ना, लीजा जब उससे बात करी होती है उसको उन्होंने इन बिटवीन कैप्टन से बात करी थी, उसमें एक्चुअल मैच के सीन्स डाल दिए, तो मुझे लगता है इस हाँ बार भी ऐसे ही करेंगे कि जब तुम ये कर रही थी हाँ तुमने ऐसा किया। खैर आई डोंट नीड टू हाँ बी एवरीथिंग, लेट्स मूव टू द ड्रामा। यस, हाँ हाँ नो, अम्मू एंड फरी की रिलेशनशिप वेरी क्यूट। अमेजिंग, आई लव्ड इट, एंड आई, ओके, सो हियर आई फील कि दोनों एक्टर्स जो है ना, दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज दे आर सो, उनकी, देखिए आपको ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नजर आ रही होती है, एंड यहाँ आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे इनके डायलॉग्स होंगे जो ऐसे ही निकले होंगे इम्प्रॉम्प्टू, वो जिस तरह एक दूसरे को तंग करती हैं, धक्का देती हैं और फिर हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं एक दूसरे का, वो बहुत नेचुरल लग रहा था, एंड इट्स वंडरफुल टू वॉच द टू ऑफ देम शेयरिंग द स्क्रीन। किंजा देखो एंड हरीम शुड डू मोर परफॉर्मेंसेस टुगेदर।
मुझे तो इतना मजा आया था, वो कहती है रुको 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 ये क्या था, मैंने क्या देखा, ये तुमने स्माइल की जुनेद को, ये लाइक नो। एंड देन हदीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि यू नो शी हर सेल्फ रियलाइज ओ आई हैव डन दैट, एंड देन शी इज लाइक ट्राइंग टू हाइड इट। और फरी यूजुअली इतनी कॉन्फिडेंट होती है, हमने पहली बार देखा कि फरी जो थी ना वो बिल्कुल घबरा गई। तो सीन हाँ बहुत जबरदस्त है, इवन जुनेद और फरी के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई थी और जो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इट वॉज सो वेल एग्जीक्यूटेड दैट इट वॉज क्यूट यस, रोमांटिक एंड यू नो स्टिल इट वॉज नॉट क्रिंज। एंड ऑल्सो वेन किरियाना कम्स एट नाइट और वो भी इसको तंग कर रही थी छत के ऊपर, इवन दैट वॉज, एंड अगेन आई हैव टू से के अलीना इज ऑल्सो परफॉर्मेंस हियर, बिकॉज अब उन दोनों की तो केमिस्ट्री है, यहाँ आके कोई तीसरा इंसान ने भी उसको उसी तरह, एंड शी हैज हर ओन वे, शी हैज हर ओन एयर एंड शी हैज डिवेलप दैट स्टाइल। किरियाना है जिस तरह वो बैठती हैं टांग के ऊपर टांग रखकर, और यू नो पीछे एक उनका ना रिलैक्स्ड एयर होती है कॉन्फिडेंट, तो इट्स रियली एडिंग टू द कैरेक्टर दैट आई वी सी रियली ऑन होप स्क्रीन। कि लीजा का जर्नी दिखाएं एंड लीजा कम्स आउट डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज आई रियली लीजा कैरेक्टर एंड आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो जर्नी ऑफ फीमेल। एंड ये बड़ी कॉमन चीज है औरतों का आपस में यू नो कॉम्पिटिशन होना, तो यहाँ पे एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हो सकती है कि हाउ यू मस्ट थिंक अबाउट द वेलबींग ऑफ अ बिगर कॉज रादर देन योर सेल्फ। सो ये बट बड़ी लीसा हैज टू पे फॉर व्हाट शी डिड, उसने पिछला मैच हरवाया था, दिस इज अ क्राइम, शी हैज टू पे फॉर इट, आई थिंक शी एक्चुअली नीड्स टू बी बैन्ड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग तो टाइम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मे बी मैं गलत हूँ ये बात कहने में, बट आई फील यहाँ पे फॉर हर टू लर्न दिस लेसन एंड टू लिव विद दिस शर्मिंदगी इज विल बी अ वेरी बिग लेसन फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर टू लूज यू नो जुनेद इन दिस। आई फील के यू नो या मुझे नहीं बिकॉज लगता वो आई जाने देंगे, गिवन एम कि वो जो दिखा रहे हैं कि कितने चैलेंजेस हैं उसको पुलिस की तरफ तो नहीं जाने देंगे, बैन वैन का तो नहीं होगा, यही दिखाएंगे कि वो शर्मिंदा होगी और फिर कैसे वो मैच को जितवाएगी इन द एंड यू नो। हाँ, बट आई डोंट थिंक दैट्स इनफ मैच फिक्सिंग इज अ वेरी सीरियस क्राइम, और क्योंकि उन्होंने 22 कदम में ये सब दिखाया है एंड रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाई हैं, क्रिकेट की कितनी सारी टर्मिनोलॉजी हमें सिखाई है, सो आई थिंक दे हैव टू मेक अस अंडरस्टैंड कि मैच फिक्सिंग कितनी डेंजरस चीज है, बिकॉज ये लोअर लेवल टूर्नामेंट्स में भी होता होगा, अगर यहाँ हुआ है तो आगे भी होता होगा, तो आप मैसेज गलत ना भेजें, वो जुनैद को लूज कर दे दैट इज अ डिफरेंट, दैट्स अ पर्सनल थिंग, लेकिन आप एक टीम का हिस्सा हैं, आपकी एक कमिटमेंट है, एक प्रोफेशनलिज्म है, एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेयर्स इन दैट टीम, बाकी सबको तो आपने इकट्ठा किया है, यू कांट डू दैट, सो तो फॉर पॉइंट मी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी व्हाट दे विल डू। आई एम एक्चुअली डिडंट थिंक ऑफ दैट बट यू आर राइट, लेट्स सी व्हाट दे विल डू। आई एम रियली नाउ क्यूरियस टू सी हाउ द ड्रामा विल हैंडल। ऑल्दो आई डू हैव टू से कि लीजाज डैड प्रोवोक्स हर ऑल द टाइम, वो जहां पीछे कोशिश भी करती है ना, शर्मिंदा होती है, वो उसको चाबी देता रहता है, उसको प्रोवोक करता किसी है। मेच्योर पर्सन की गलतियों का इल्जाम हम किसी और पे नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ, आई एग्री। ओके सो दैट इज ऑल। डू वी हैव मोर जी, ड्रामा? वी हैव टू मोर ड्रामाज, वी हैव सुकून एंड वी हैव नोरोज। ओ वी हैव सुकून। ओके लेट्स डू सुकून हाँ पहले एपिसोड। जी, सिराजुल हक की डायरेक्शन एंड मिस्बाह नौशीन की राइटिंग, एंड वी हैव सना जावेद एंड एहसन खान एंड वी हैव खाकान शाहनवाज। ओके तो क्या ख्याल है आपका भाई ऐना? मैं तो समझ रही थी कि ऐना जो है वो उनको देख के, रजा को, हमदान को देख के जरा थोड़ी सी शर्माएंगी, लेकिन यहाँ तो रजा पहुंच गए बीच में। शर्माई तो किसी को भी देखे नहीं है बिकॉज शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड, बट यस हाँ यू आर ऑल्सो यस राइट प्रोमो में दिखा रहे, बट आई थिंक शी इज गोना गो फॉर रजा, और शायद रजा की हाँ कोई बेवकूफी होगी जिसकी वजह से वो रजा के साथ नहीं होगी और फिर एहसन खान का जो कैरेक्टर है वो फिर सपोर्ट करेगा, मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ऐसा कुछ होगा तो लेट्स सी आई क्या होता है। ओवरऑल अच्छी वाइब थी, अच्छी फील थी पहली एपिसोड की, मैं बोर नहीं हो रही थी, मुझे कहीं कहीं कुछ चीजों से मसला हो रहा था बट मैं बोर नहीं हो रही थी। सना जावेद इज लुकिंग रियली प्रिटी एंड यू नो समहाउ वो जो पूरा सीन है चाय वाला वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। हाँ, मैं कह रही थी कि शुरू से अगर देखें, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट हैव वॉच्ड इट, तो सुकून हैज वेरी क्लियर फ्रेम्स, सना जावेद, एना इज देयर विद आयमा हर सिस्टर विच इज प्लेड बाय कुसिया अली, और वो दोनों एक रिलेटिवली गरीब घराने से ताल्लुक करती हैं, हैदराबाद में रहती हैं गालिबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो दोनों सिटीज दिखा रहे होते हैं राबिया, एंड देन वी हैव एहसन खान्स कैरेक्टर हमदान, एंड वी हैव रजा विच इज शाहनवाज कैरेक्टर, एंड ये दोनों जो है ये कराची में रहते हैं, वो बिगड़ी बिगड़ी हुई औलाद है रजा, और एहसन जो है वो उनके कजन हैं जो सारा बिजनेस संभाल रहे हैं, और ये जरूर मेंशन करना जरूरी है कि उनके जो अंकल हैं वो करप्ट नहीं बनते, उनको करप्ट उनकी बिल्कुल उसूलों के पाबंद है वो, तो यहाँ जो ऑब्वियसली इनकी कुछ ना कुछ अतीका ओडो है उनकी अम्मा,
एंड अतीका ओडो इज मोर यू नो गोइंग टू कवर अप फॉर हसन, और उनको स्पॉइल करने का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर. तो फ्रेम्स आर वेरी क्लीन लाइक यू सेड, सना जावेद इज लुकिंग लवली. एंड पहले ही एपिसोड में आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा हमें नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लव स्टोरी शुरू हो रही है, आगे जाएगी कि नहीं वो पता चलेगा. यू आर सेइंग यू हैड सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज विद सर्टेन आई पार्ट्स. जस्ट फील कुछ चीजें कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड. उन्होंने पूरा बाजार सा लगाने की कोशिश की, विच वाज अ नाइस एफर्ट कि यू नो वो दोनों शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो वो ठेले हैं और कुछ, ठीक है आपने उसको सिनेमैटिकली बड़ा और विजुअली शायद बड़ा उसको क्रिएटिव या बड़ा एक सिनेमैटिक फील देने की कोशिश की, बट एक्चुअली आई फेल्ट यू नो ठेलों पे किस किस्म की शॉपिंग आजकल होती है और वो क्या खुले में तीन चार ठेले लगा के प्रॉपर शॉप्स होती हैं जहाँ जाते हैं, या आई जस्ट फेल्ट कि इससे बेहतर हो सकता था. और वो जो कपड़े लंबे लंबे लटके हुए हैं वो मुझे लगता है अब शायद सिराजुल हक साहब का एक सिग्नेचर स्टाइल हो गया, क्योंकि तेरे बिन में भी हमने यही देखा था. तो इसमें भी वो बाजार में साइड पे क्यों इतने ढेर सारे कपड़े लटके हुए थे वो भी मुझे समझ नहीं आई, यू नो जो हवा में उड़ रहे थे. तो वो उनका प्यारा सा शॉट उन्होंने शीशे में वो झुमके के साथ लिया इन एवरीथिंग, इट्स ऑल वेरी नाइस, बट आई जस्ट फील दैट वट एवर वी आर डूइंग इन आर ड्रामाज हैज टू हैव सम सेंस, हैज टू हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट, सम रियलिस्टिक टच. हम हर ड्रामे को तो नहीं सोच सकते कि यार ये भी फेरी टेल है, जैसे इश्क मुर्शिद तो मैंने सोच लिया आगे कि बस ये अनरियलिस्टिक फेरी टेल सा ड्रामा होगा, इस पे ज्यादा एक्सपेक्ट करना, लेकिन हर ड्रामे पे तो अब ये नहीं सोच सकते ना, कहीं तो रियलिस्टिक बाजार दिखा के कुछ हो जाता. तो इस तरह की चीजें मुझे थोड़ी सी इशू थी. फिर एसम खान का जो कैरेक्टर है वो दिखाया है पूरा, आई मीन सेकेंड वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू शो अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैरेक्टर या सर्टेन थिंग इन अ ड्रामा. फॉर एग्जाम्पल वो पूरा स्कूल में जा रहे हैं, वो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, वो बच्चों का वो करें, ओवर डू था जस्ट टू शो हिज नेचर ऑफ चैरिटी, गिविंग चैरिटी एंड हेल्पिंग आउट पीपल. वी डोंट नीड टू डू दीज थिंग्स, यू और रजा का बहुत नेगेटिव भी वो भी जरा ओवर था, रजा से ज्यादा उनकी अम्मा का, जहाँ रजा कह भी रहे थे कि मैंने इस लड़की के साथ ये किया और वो जो एक्सीडेंट सीन था पूरा, तो अम्मा कह रही थी कोई बात नहीं गरीबों की तो यही जिंदगी होती है. तो वो इतना ज्यादा उनको वो कर दिया था, नेगेटिव बना दिया शुरू ना से. सिर्फ ये शाजिया, आप अपनी अम्मा के साथ रहते हैं, आपको पता नहीं आपकी अम्मा किस किस्म की है, ये क्या पहली बार आप अपनी अम्मा से मिल रहे हैं, जो वो कहते हैं कि लेकिन अभी आप स्टेज पे तो कुछ और कह रही थी. तो वो अजीब से डायलॉग्स हैं विच डू नॉट मेक सेंस एंड यू लाइक यार देखो तो सही कि कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर को क्या बोलना चाहिए, कैरेक्टर को ये बोलना चाहिए या अगर नहीं है तो कुछ और कह ले के, बट अम्मा यू नो एनीथिंग, बट इट्स इट रियली फ्रस्ट्रेट्स यू एंड इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑन योर विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग इट. एंड आई वॉन्ट टू मेंशन द सिस्टर आयमा. सो हमने कुत्सिया को भी थोड़े दिन पहले देखा था कुछ एंड कहीं में, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर वेयर शी इज यू नो गोइंग ऑन अबाउट वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग टेकिंग स्टैंड. तो आई रियली फील दैट हमारे एक्टर्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन द चॉइसिस दैट दे मेक एंड नो कि आपका कैरेक्टर या आपका ये ड्रामा किस वक्त ऑन ईयर होगा, वन आफ्टर द अदर, कुछ ब्रेक है कुछ है. तो मुझे एक्चुअली नहीं मजा आ रहा था. आई एम आई थिंक कुत्सिया इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड शी हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट बिकॉज उनका कैरेक्टर बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है जैसे अभी मैंने कुछ अरसे पहले कुछ अनकही में देखा था, इट लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन मी एंड इट वॉज एक्चुअली टेस्टिंग माई पेशेंस के किस तरीके से बात कर रही है. क्यों मतलब खुद में लड़की में इतना नहीं है कि उसकी बहन उसके लिए इतनी आवाज उठा रही है और सब कुछ कर रही है, एंड वही ट्रेंड जो हम जैसे आपकी मर्जी में भी देख रहे हैं और उससे पहले हमने मेरे हमसफर में भी देखा कि छोटी बहन या कजन जो है वो बिल्कुल ही ऊपर से आ रही है, मतलब क्या ये दिस इज नॉट ऑन. आई जस्ट फील कि इसको बिल्कुल आई थिंक एज फार एज कुछ एज कंसर्न, समटाइम्स इन लोगों को जो है ना ऑप्शंस नहीं मिलते, एंड ये क्रिएटर्स के ऊपर बात बनती है जो बहुत ज्यादा टाइप कास्टिंग करते हैं. एंड अगर आपके पास राबिया तीन ड्रामे आ रहे हो और आपने अभी इतने ड्रामे नहीं करे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक योर मार्क, एंड उसमें से दो जो है वो आप बिल्कुल ही रिजेक्ट करना चाह रहे हो, ये थोड़ा सा आपको मिडिल ऑफ द रोड मिल रहा है. तो ये हमारे ऊपर है कि यू नो बिकॉज यू कैन सी दैट दिस एक्टर कैन एक्ट राइट. अब आप उसको टाइप कास्ट मत करें, गिव देम दैट फ्रीडम टू डू समथिंग डिफरेंट एंड शो व्हाट दे आर मेड ऑफ. बट यस यू आर राइट, बिल्कुल कुछ अनकही वाली लुक आ रही थी. तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है. आई टेक माय क्रिटिसिज्म हाफ 50% बैक कि कंप्लीट उसमें हाँ नहीं, जो लोग कास्ट कर रहे हैं डायरेक्टर एंड द टीम उनके ऊपर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उस कैरेक्टर या जो एक्टर उस कैरेक्टर को कर रहा है उसका पिछला ड्रामा कैसा था या अभी रिसेंट ड्रामा कैसा था या वो क्या ऐसे बहुत से रोल कर सके हैं, तो उनको उस तरह कास्ट मत करें, बिकॉज इट्स आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है यार, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, व्हाई आर यू वेस्टिंग इट. या अगेन अदनान समद का कैरेक्टर भी थोड़ा थोड़ा मुझे नजर आ रहा था जो पहले उन्होंने किया हुआ है,
विद बिल्कुल यमुना सेठी, मुश्किल या बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए मे बी जरूरी था, एंड काफी थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम पे ये जा रहा था, वो फिर भी मुझे थोड़ा सा मध्यम लगता था वो वाला. हाउएवर अगेन दैट स्क्रिप्ट ऑफ अमीर गरीब, कि वो लड़की गरीब खानदान से है और वो अमीर लड़के के ऊपर, एंड अब आपको पता है अतीका ओडो किस किस्म की सास है, तो वहां आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है, या तो एहसन खान मंगनी तोड़वाएंगे अब फिर से या क्या होगा, आई डोंट नो, क्योंकि उनका तो अभी हमदान का तो अभी सीन है ही नहीं कुछ ऐना के साथ. अगली एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा आपने? हाँ मैं तो प्रोमोज देखने में माहिर हूँ, मैंने मिस कर दिया आई थिंक. इस बार मैंने देख लिया। चलिए दैट इज हाँ ऑल, देखते हैं आगे जाके एपिसोड कैसी रहती है सेकंड एपिसोड। मैं बोर हाँ नहीं हुई इन सब चीजों के बावजूद, सो आई आई वांट टू सी क्या आगे क्या। हाँ नो, इट वाज इंटरेस्टिंग, इट मूव फास्ट. अगर आपको स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी लग रही थी, आपने देखा हुआ था कहीं ना कुछ सीन, वो तेज चल रहा था. और थोड़ी चीज चीजें एडजस्ट हो जाती हैं तो सोचो ड्रामा और भी कितना अच्छा हो सकता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. ठीक है, ओके और रोज नौरोज. ओके बताइए क्या हुआ ना। नौरोज, नौरोज जो है वो थोड़ा एक्चुअली आप सा बताइए, काफी, नहीं आप रिव्यू कर लें, आई विल कीप क्वाइट एंड यू जस्ट डू द रिव्यू। हाँ नवरोज काफी ढीला चल रहा है अब, क्योंकि हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो रिश्तीना को पता चल गया है कि सालार जो है वो एक्चुअली उसका रिश्तेदार है, उसका हाफ ब्रदर है, लेकिन क्योंकि कारवान खान से भी वो मिल गई है, एंड यू कैन सी द नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी के वो छुड़वाना चाह रही है उसको, सारिब को भी. तो अब यहाँ अगेन उन्होंने ये तो दिखा दिया कि कारवान खान भी आ गए, लेकिन उन्होंने फिर वापस कहानी ले गए हैं चाइल्ड स्मगलिंग के ऊपर एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे. तो अगेन टू डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग अटैक्ड इन द सेम एपिसोड. वी आर मोर इंटरेस्टेड राइट नाउ इन रिश्तीना एंड कारवान हैविंग अ फेस टू फेस, लेकिन आप उसको अभी ले गए हैं सारिब की तरफ कि ये बच्चों का कारोबार जो होता है ये किस तरह होता है. जब वो जाती भी है रुस्तम से मिलने के लिए, तो वो सालार के लिए जाती है, वो ये नहीं पता करती कि कारवान के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि नाउ शी नोज के भाई जिनके घर में बैठी हुई हूँ ये सारिब जो है ये तो मेरा रिश्तेदार है. तो वो कहानी मुझे वहां से आगे देखनी थी, विच इज नॉट हैपनिंग. फिर आपने शायान का भी, अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, कि आप बहुत ज्यादा प्रीची हो रहे हैं ड्रामे में, शायान का एक सीन है वही सेम कि मैं, मुझे ख्वाब आता है या क्या कि मैं डूब रहा हूँ पानी में और मैं चारों तरफ देख रहा हूँ और मेरे कोई दोस्त मुझे नहीं बचा रहा, मैं आवाजें दे रहा हूँ, एंड देन आई नोटिस कि मैं जो हाथ ऊपर कर रहा हूँ बचाने के लिए अपने आप को, उन्हीं के साथ में स्विम करके अपने आप को वापस उस पर ले आऊं और अपने आप को खुद ही अपनी जिंदगी जो है बचा लूं. ठीक है आई लाइक द कॉन्सेप्ट, बट आई जस्ट फेल्ट ए इट वाज वेरी प्रीची, एंड नंबर टू आपके किस किस्म के दोस्त हैं जो आपको हेल्प नहीं करेंगे जब आप पानी में नीचे डूब रहे हैं और आपको कोई बचाएगा नहीं. सो इट्स इट वाज अ लिटिल सिनिकल. और शायान का कैरेक्टर, जस्ट बिकॉज यू आर गुड डजंट मीन यू हैव टू बी सिनिकल एंड नॉट ट्रस्ट एनीबडी अराउंड यू. एंड मुझे शायान के कैरेक्टर से ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि आप जहाँ अच्छाई कर रहे हैं आप बाकी सारे लोगों को समझते हैं कि दुनिया ही खराब है, सब खराब है और आपको अपने आप को खुद बचाना है, एंड दैट विल एक्चुअली इन्फ्लुएंस हाउ रिश्तीना इज गोइंग टू लुक एट हर फ्यूचर, क्योंकि रिश्तीना भी ऐसे नहीं सोचती है. अदर देन दैट सारिब्स डायलॉग्स, बच्चों के डायलॉग्स, हमें अभी भी ड्रामास में ये महारत नहीं आई है कि हम बच्चों के डायलॉग्स कैसे लिखें और किस तरह लिखे जाएं. जो थोड़ा सा जन्नत के आगे से आगे में आई फील इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ आप उस छोटे से बच्चे से इतने बड़े बड़े डायलॉग्स कहलवा रहे हैं और फिर आप उनके ऊपर तालियां भी बजा रहे हैं, कह रहे हैं ओ ये तो बहुत ही क्यूट है. तो इट्स नॉट मैचिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट वीडियो इन रियल लाइफ विल नॉट गो वायरल जो आपने वीडियो करी है उनकी. सो थोड़ा सा आई फेल्ट कि वहाँ बेहतर स्क्रिप्टिंग हो सकती थी. अदर देन दैट आई थिंक आई जस्ट वांट टू सी व्हाट हैपेंस विद सालार एंड विद रिश्तीना एंड विद कारवां खान. तो प्लीज उसको आप अगले एपिसोड में हमें दिखा दें, बिकॉज यू आर लूजिंग व्यूअर्स लाइक दिस. हम ड्रॉप कर दें या अभी भी कंटिन्यू करेंगे उसको रिव्यू करना? देखो मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत देखी थी और मैं इंतजार कर रही हूँ बिकॉज कारवान का कैरेक्टर इतना पावरफुल था, इतना इम्पैक्टफुल था कि मैं अब देखना चाह रही हूँ रिश्तीना उसका मुकाबला कैसे करे। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में इतने रोड ब्लॉक्स आए हैं, इतनी कहानी इधर से उधर डाइग्रेस हुई है, एंड वो डाइग्रेस भी ऐसी हुई कि इंटरेस्टिंग नहीं है, वो इट्स नॉट कैप्चरिंग माई अटेंशन। तो मैं क्या करूँ, मैं देख रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू सी दी एंड। तुम्हारा पूरा सुन के मैं तो बिल्कुल बोर हो गई कि अच्छा ये हो रहा था, तो मैंने कहा फिर मुझे नहीं सुनना। यही हो तुम्हारा रहा रिव्यू है। सुनने के बाद आई सेड हाँ ओके आई डोंट वांट टू कंटिन्यू वाचिंग इट, सो लेट्स थिंक इफ यू वांट टू कंटिन्यू वाचिंग इट और नॉट। ठीक है शाजिया, कुछ है और जो आप बात चाहें या हम रैप अप करें? मैं मिस कर रही हूँ स्टूडियो, आई एम मिसिंग द लाइटिंग, आई नीड टू रियली डू समथिंग अबाउट इट, फिक्स इट इवन मोर नाउ. अब तो और भी ज्यादा लग रहा है,
कॉन्ट्रास्ट, आई होप मनसब एंड हुजैफा कैन डू समथिंग विद इट. लेकिन या जो चले बात कराची की है वो बात स्विट्जरलैंड की नहीं. जो होता या है वो बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह इसका भी हमें कुछ दिखाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपना व्यूज जरूर शेयर कीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.